सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। मालराव अहिल्या के पास आता है और बोलता है, क्या ये सब कुछ पता चला कि ये हमला करने का दुस्साहस किसने किया है? तो अहिल्या बोलते हैं कि नहीं, और तुम इतने परेशान मत हो, अब मैं ठीक हूँ, बैठो यहाँ पर। तो मालराव बोलते हैं कि ऐसा आप हमें बैठने के लिए कह रही हैं? हम अभी भी आपको छोटे बच्चे लगते हैं क्या? तो अहिल्या बोलते हैं कि मेरा बेटा और छोटा बच्चा संभव ही नहीं है, बैठो यहाँ मालराव। और तभी मालराव अहिल्या के पास बैठता है। तो अहिल्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बैठने के लिए इसलिए कहा ताकि घड़ी दो घड़ी मैं तुमसे बात कर सकूँ, वरना मौका ही नहीं मिलता। उस हमलावर का ये उपकार तो रहा मुझ पर। तो मालराव बोलते हैं कि क्या ये सब कुछ भी बोल रही हो आप? वैसे कुछ हुलिया वगैरह याद है उस हमला करने वाले का? तो अहिल्या बोलते हैं कि नहीं। तो मालराव बोलते हैं कि वैसे मैना ने मुझे बताया कि किसी लड़की ने आपकी जान बचाई, अब वो कैसी है? तो अहिल्या बोलते हैं कि वो भी ठीक है, बहुत भली लड़की है वो, बहुत बहादुर, लेकिन अब उसकी चिंता नहीं है, उसके घर के बाहर मैंने कुछ सैनिक तैनात करवाए हैं। तो मालराव बोलता है कि आई साहब हमें लगता है कि हमें उसका धन्यवाद करने जाना चाहिए। तो अहिल्या बोलते हैं कि मालराव वो मौका तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में सोचने का और उसका ख्याल रखने का मौका है तुम्हारे पास। और तभी अहिल्या मैना को अपने पास बिठाती और बोलते कि क्या हुआ, तुम अभी रो रही थी? तो मैना बोलते कि नहीं सासू भाई। तो अहिल्या बोलते कि तुम्हारा काजल पूरा बिखरा हुआ है, क्या बात है मैना? तो मैना बोलते कि नहीं सासू भाई, हम क्यों रोएंगे, वो क्या है ना, हम बहुत सारे कामों में व्यस्त थे और देखिए ना कितनी गर्मी है, शायद पसीने की वजह से काजल बिखर गया होगा। और तभी अहिल्या मालराव की तरफ देखने लगती है। तो मालराव बोलते हैं कि क्या हुआ आई, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं, हमने तो कुछ भी नहीं कहा इससे। तो मैना बोलते हैं कि अच्छा कुछ भी नहीं कहा, सासू भाई साहब इन्होंने हमें इतनी जोर से डांटा है कि हम आपको क्या ही बताएं, और वो भी इसलिए कि हमने इनसे एक छोटा सा सवाल पूछ लिया था कि आप कहाँ गए थे। तो मालराव बोलता है कि हाँ तो ये भी पूछने की बात है, और हमारे पास 100 काम होते हैं। तो अहिल्या बोलते है कि मैना के पास भी बहुत काम थे मालराव, तुम देख नहीं सकते, पसीने से पूरा काजल बिखर गया उसका। तो मैना बोलते है कि हाँ तो और क्या कहते हैं, इन्होंने डांटा। तो मालराव बोलता है कि हाँ तो बेमतलब का सवाल फिर से पूछोगी तो हम फिर से डांटेंगे। तो अहिल्या बोलते है कि बस करो दोनों, छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह लड़ने लगते हो तुम। और मैना, अगर मालराव को अच्छा नहीं लगता कि उससे कोई सवाल पूछे तो मत पूछे सवाल, पत्थर लिखकर जवाब मांग लिया करो। तो मालराव बोलते हैं कि क्या आई साहब आप भी? तो अहिल्या बोलते हैं कि मालराव अगर तुम्हें सवाल से इतनी परेशानी हो रही है तो आते ही बता दिया करो ना कि तुम कहाँ गए थे, तो समस्या समाप्त। देखा कितना आसान था। और हाँ अब असली फैसला सुनो, तुम 2 दिनों के लिए दरबार नहीं जाओगे और काम करने के लिए भी बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी 2 दिन के लिए छुट्टी। तो मालराव बोलता है कि लेकिन क्यों आई साहब? तो अहिल्या बोलते है कि देखो मालराव, मैं तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं देना चाहती, लेकिन मेरी एक विनती है कि काम काज तो चलता ही रहेगा, लेकिन अपनों के लिए समय निकालना भी उतना जरूरी होता है ना। मैं चाहती हूँ कि मैना और तुम 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जाओ, कहीं घूम कर आओ, उसका भी मन बहल जाएगा। बोलो जाओगे ना मैना के साथ? तो मालराव बोलते है कि जी आई साहब। और इसके बाद दिखाया था मल्लार और सरकार बहुत परेशान होते हैं। तो गौतमा भी बोलते है कि सरकार क्या हुआ, आपके मन में क्या दुविधा चल रही है बताइए। तो मल्लार और सरकार बोलते हैं कि गौतमा दुविधा ही दुविधा है, किसे सच माने समझ में नहीं आ रहा, आंखें धोखा नहीं खा रही लेकिन मन आंखों देखी पर भरोसा नहीं कर रहा। अहिल्या और श्रीमत दोनों के विचार में टकराव है और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अहिल्या पर हमला हुआ है। जो हम और गंगोबा देखकर आए हैं इससे तो ये साबित होता है कि माधवराव सच में नहीं चाहते कि हम मालवा की गद्दी पर बैठे, और अगर ये बात सही है और अहिल्या पर हमला करवाने वाले माधवराव ही हैं, तो गौतमा बोलते हैं कि सरकार अगर आप इस दुविधा को समझ गए हैं तो फिर आप चुप क्यों हैं? तो मल्लारा बोलते हैं कि क्योंकि हम हवा में तीर नहीं चला सकते, ये बस एक अनुमान है, हमने मरने वाले के मुंह से नहीं सुना माधवराव का नाम। तो गौतमा बोलते हैं कि तो फिर किसने बताया आपको नाम, जिसने उस हमलावर को पकड़ा उसने? तो मल्लारा बोलते हैं कि जानती हो हमलावर को पकड़ने वाला कौन था? गुनू जी, उसे जावे कहे जा अपने बेटे का कातिल, जा अहिल्या के हमलावर को पकड़ने वाला। और तभी दिखाया था वहां पर द्वारका बाई आती है और बोलते है कि मैं बताती हूँ सरकार, वैसे मैं भी बहुत दुविधा में हूँ, समझ नहीं आ रहा आज जावे साहब ने जो भी कुछ किया है उसके लिए इन्हें शाबाशी दें, जा यही सोचकर इनसे नफरत करते रहें कि ये खंडराव के कातिल हैं। सरकार आपने तो इन्हें देखा है ना, ये प्रायश्चित करना चाहते हैं, मैं मानती हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसके लिए इन्हें क्षमा नहीं मिल सकती, लेकिन ये पश्चाताप की आग में जल रहे हैं, इसका प्रमाण यही है कि आज इन्होंने उस मुजरिम को पकड़ा है जिसने अहिल्या पर हमला किया था, लेकिन हम अपने दिल को छोटा बनाए रखेंगे, इन्हें क्षमा नहीं देंगे। और अक्का साहब ये तो वाड़ा छोड़कर चले गए थे लेकिन मैं इन्हें वापस लेकर आई, और ये मेरी पहली गलती थी, मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैं इनके लिए आपसे क्षमा मांगती रही, और तीसरी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि सरकार की जानकारी के बिना मैंने इन्हें दरबार में बहाल कर दिया। और यह सुनते ही मल्लार और सरकार गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि द्वारका रानी तुमने यह हिमाकत कैसे की? तो द्वारका पे बोलते हैं कि सरकार मैं जानती हूँ कि मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन क्या करूँ मैं आई हूँ, झूठ बोलकर उन्हें पद दिलवाया, उनके लिए गलती पर गलती कर रही थी मैं, लेकिन सरकार आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने कोई गलती की नहीं थी, क्योंकि आज अगर जावेद साहब वाड़े में नहीं होते ना तो हम उस मुजरिम को पकड़ ही नहीं पाते जिसने अहिल्या पर हमला किया था। मैं जानती हूँ कि इनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और ये चाकर भी अपने माथे से वो जख्म नहीं हटा सकते, लेकिन मल्लारो सरकार कुछ नहीं बोलते। और तभी द्वारका भी गुनी जी की पगड़ी उतारती है
और बोलती है सरकार एक तरफ ये जख्म है जो नासरू बनता जा रहा है, दूसरी तरफ ये कुछ भी करें इन्हें सराहना नहीं मिलेगी। अगर ऐसे हुआ तो इनका पश्चाताप पूरा कैसे होगा? सरकार ये आप ही का असूल है कि अपराधी को नहीं उसके अंदर के अपराध को मारो, तो फिर ये असूल इन पर लागू क्यों नहीं होता? तो मल्लारा बोलते हैं कि आप ठीक कह रही है द्वारका, एक अपराधी को सजा दी जाती है उसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है, लेकिन अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सामान्य जीवन जीने का अधिकार है और ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना हमारा भी कर्तव्य बनता है। द्वारका राजन साहब, हम आपकी बात से सहमत हैं। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पर अहिल्या आती है और बोलते हैं कि बाबा साहब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकती और ना ही किसी को करने दूंगी। तो मल्लारा बोलता है कि हमने द्वारका राजन साहब की बात का मान रखा है, गुरु जी को माफ़ नहीं किया है बल्कि उनकी अच्छाई पर उनकी सराहना कर रहे हैं बस। तो अहिल्या बोलते हैं कि कैसी अच्छाई बाबा साहब, आदमी अपनी सूरत बदल सकता है लेकिन अपनी सीरत कभी नहीं। सांप का काम जहर उगलना ही है, उससे मिठास की उम्मीद रखना हमारी नासमझी है। तो मल्लारा बोलते हैं कि अहिल्या तुम जानती हो जिसने तुम पर तीर चलाया था उसे गुरु जी ने पकड़ा था। तो अहिल्या बोलते हैं कि फिर तो और वजह बनती है बाबा साहब इन पर शक करने की, क्योंकि जो इंसान गला काटना जानता हो वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता, और मुझे तो शक है कि इन्होंने पहले मुझ पर हमला करने के लिए वो लोग भेजे और जब मैं बच गई तो अपनी छवि सुधारने के लिए उसे आपके सामने ले आए। और बाबा साहब आप ही सोचिए ना, मैं तो माधोराल से वफादारी निभाने की बात कर रही थी तो वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करेंगे, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये सब इन्हीं का किया जा रहा है। तो मल्लारा बोलते हैं कि हम तुम्हारी तरह आंखों पर पट्टी नहीं बांधे हुए हैं, सब हमें समझाते रहे कि अहिल्या जिद्दी हो गई है, लेकिन हम कहते रहे कि ना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन अब लगता है कि ये मतभेद से भी कुछ ज्यादा ही है, अब हमें यकीन हो गया है कि हम गलत थे। तुम इतनी तेज दौड़ रही हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें तो बस जीतना है, इसके लिए अगर तुम्हारे सामने कोई रिश्ता आ जाए तो तुम उसे रोंद कर आगे निकल जाओगी, और अब सुनो दरबार के किसी भी मामले में हमें तुमसे सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे दरबार के किसी भी निर्णय के बीच में नहीं आओगी। तो इसी के साथ ही आज के एपिसोड खत्म होता है, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।